स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पोर्टल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई किसी भी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आप तक। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ ए थर्मिस्टर इज, ऑप्शन ए लो एंड पॉजिटिव, ऑप्शन बी हाई एंड पॉजिटिव, ऑप्शन सी लो एंड निगेटिव, ऑप्शन डी हाई एंड निगेटिव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाई एंड निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमोमीटर इज लाइकली टू हैव, ऑप्शन ए एयर डैम्पिंग, ऑप्शन बी ईडी करेंट डैम्पिंग, ऑप्शन सी फ्रूट फ्रिक्शन डैम्पिंग, ऑप्शन डी मूविंग कॉइल डैम्पिंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एयर डैम्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑफ रिप्रोडक्टिविटी ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए रिजॉल्वेशन, ऑप्शन बी रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी एक्यूरेसी, ऑप्शन डी प्रिसीजन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन कंडीशनिंग ऑफ सिग्नल, ऑप्शन ए सिग्नल कन्वर्टर, ऑप्शन बी एम्पलीफायर, ऑप्शन सी इक्वलाइजिंग सर्किट, ऑप्शन डी डैम्पिंग नेटवर्क। द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेजर सेल्फ इंडक्टेंस, राइट ऑप्शन ए मैक्सवेल ब्रिज, ऑप्शन बी केल्विन डबल ब्रिज, ऑप्शन सी है ब्रिज, ऑप्शन डी ओवेंस ब्रिज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केल्विन डबल ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ कंट्रोल इन ए थर्मोकपल इज, ऑप्शन ए हेयर स्प्रिंग, ऑप्शन बी मूविंग कॉयल, ऑप्शन सी ईडी करेंट, ऑप्शन डी एयर। तो राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी, मूविंग कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इफेक्टिव इंपेडेंस इज गिवन बाय, ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी एल बाय आर, एल बाय सी, ऑप्शन सी एल बाय सी आर, ऑप्शन डी आर बाय सी आर। राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी, एल बाय सी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वाइल विथ लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस हैज ए, ऑप्शन ए हाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी लो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी लो क्वालिटी फैक्टर, ऑप्शन डी लो रेजिस्टेंस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू वाट मीटर रीडिंग इन थ्री फेज सर्किट गिवन बाय, ऑप्शन ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ऑप्शन बी टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट, ऑप्शन डी ऑप्शन सी टोटल पावर इन द सर्किट, ऑप्शन डी टोटल करेंट इन द सर्किट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टोटल पावर इन द सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रेजोनेंस इन ए पैरेलल सर्किट, ऑप्शन ए एडमिटेंस ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम, करेंट ड्रॉन इज मैक्सिमम, फेज एंगल बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज इज एट राइट एंगल, ऑप्शन डी पावर फैक्टर इज यूनिटी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पावर फैक्टर इज यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पावर ड्रॉन इन द सर्किट इज, ऑप्शन ए आई स्क्वायर आर, ऑप्शन बी वन बाय टू आई स्क्वायर आर, ऑप्शन सी आई वन बाय टू आई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी आई आर स्क्वायर। राइट आंसर बी ऑप्शन नंबर बी, वन अपॉन टू आई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कनेक्टेड सिस्टम द लाइन वोल्टेज इन ए थ्री फेज सिस्टम सर्किट इज, ऑप्शन ए 1.732 टाइम्स द फेज वोल्टेज, ऑप्शन बी 1.414 टाइम्स द फेज वोल्टेज, ऑप्शन सी 2.05 टाइम्स द फेज वोल्टेज, ऑप्शन डी इक्वल टू द फेज वोल्टेज। तो राइट आंसर बी ऑप्शन नंबर ए, 1.732 टाइम्स द फेज वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ पैरेलल सर्किट रेजोनेंस इज टू मैग्नीफाई, ऑप्शन ए करेंट, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूल ऑफ लिंक इज, ऑप्शन ए पिंग, ऑप्शन बी नोड, ऑप्शन बी लूप, ऑप्शन डी ट्री ब्रांच। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्री ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर? ऑप्शन ए इंडक्टेंस, ऑप्शन बी कंडक्टेंस, ऑप्शन सी वायर वन रजिस्टर, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्किट हुज प्रॉपर्टी आर सेम इन द आइदर डायरेक्शन इज नोन एज? ऑप्शन ए यूनिलैटरल सर्किट, ऑप्शन बी बायलैटरल सर्किट, ऑप्शन सी रिवर्सिबल सर्किट, ऑप्शन बी इरिवर्सिबल सर्किट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बायलैटरल सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर द क्यू ऑफ द सर्किट सीरीज सर्किट। ऑप्शन ए बॉर्डर इट्स रेजोनेंस कर्व, ऑप्शन बी नैरो इट्स पास बैंड, ऑप्शन सी ग्रेटर इट्स बैंड विथ, ऑप्शन डी शार्प इट्स रेजोनेंस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नैरोअर इज पास बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फैक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज? ऑप्शन ए लैगिंग, ऑप्शन बी लीडिंग, ऑप्शन सी इन्फिनिटी, ऑप्शन डी यूनिट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर पोजिशन थ्योरम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ? ऑप्शन ए रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ऑप्शन डी ड्यूलिटी, ऑप्शन ई नॉन लिनियरिटी, ऑप्शन डी लिनियरिटी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लिनियरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल टू? ऑप्शन ए पैसिव नेटवर्क ओनली, ऑप्शन सी एक्टिव नेटवर्क ओनली, ऑप्शन डी डीसी ओनली, ऑप्शन डी बोथ एसी एंड डीसी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ एसी एंड डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्जिंग ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ए होल इज कॉल्ड? ऑप्शन ए रिकम्बिनेशन, ऑप्शन बी न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्शन बी रीस्ट्रिकिंग, ऑप्शन डी जीरोइंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिकम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैसिव नेटवर्क कंटेन? ऑप्शन ए वन सोर्स ऑफ ईएमएफ, ऑप्शन बी टू सोर्स ऑफ ईएमएफ, ऑप्शन सी थ्री सोर्स ऑफ ईएमएफ, ऑप्शन डी नो सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नो सोर्स ऑफ ईएमएफ। द यूनिट ऑफ इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस इज एडेड टू जर्मेनियम देन द कंडक्टिविटी आर डिक्रीजेज, द सिलिकन बिकम ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, ऑप्शन सी फास्फोरस बिकम एन एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ऑप्शन डी देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन देन होल इन द सेमीकंडक्टर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देयर विल बी द मोर फ्री इलेक्ट्रॉन देन होल इन ए सेमीकंडक्टर। एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट जीरो केल्विन बिहेव एज? ऑप्शन ए सेमीकंडक्टर, ऑप्शन बी एन इंसुलेटर, ऑप्शन सी ए कंडक्टर, ऑप्शन बी ए सुपर कंडक्टर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एन इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन टाइप सेमीकंडक्टर आर फॉर्म बाय एडिंग? ऑप्शन ए डाइवेलेंट इम्प्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर, ऑप्शन बी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर, ऑप्शन सी टेट्रावेलेंट इम्प्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर, ऑप्शन बी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनर डायोड आर यूज एज? ऑप्शन ए लाइट इमिटर, ऑप्शन बी लाइट एब्जॉर्बर, ऑप्शन बी वोल्टेज रेगुलेटर, ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन डी माइक्रोवेव डिटेक्टर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वोल्टेज रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरबिडन एनर्जी गैप इन सिलिकॉन इज? ऑप्शन ए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड? इंट्रिंसिक, ऑप्शन बी एक्सट्रिंसिक, ऑप्शन सी डायोड, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन इंट्रिंसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पी टाइप सेमीकंडक्टर इज? Which of the following is correct statement about P-type semiconductor? Option A, they are neutrally charged. Option B, they are positively charged. Option C, they are neutral. Option D, they are positive whereas some negative. The right answer होगा option number C, they are neutral. तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।